वेलकम बैक टू नाइट एंगल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ जो कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पूरी अपडेट देने वाली हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँगी इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पेमेंट क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा एंड एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा या नहीं, लास्ट डेट कब होने वाला है, ऑल डिटेल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे, चाहे वो एम्स से रिलेटेड हो या फिर CHO से रिलेटेड हो, ऑल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिक्रूटमेंट जितने भी होंगे आपको इस चैनल पे के द्वारा मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए अब तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली चलते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है कोलकाता एंड द BARC मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की ओर। तो यहाँ पे स्टाफ ने DR4 इस नर्स की वैकेंसी है, जिसमें कि आपका टोटल वैकेंसी देख सकते हैं कितना 19 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज में यहाँ पे OBC के लिए 10 है, EWS के लिए 1 है, UR के लिए 8 है, मतलब टोटल आपका 19 यहाँ पे पोस्ट जो है निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में, डिप्लोमा चाहिए, मतलब आप GNM वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से, और BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है इन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एवर फ्रॉम द आर्म फोर्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पेमेंट की तरफ। तो यहाँ पे पेमेंट में आप देख सकते हैं नर्स के लिए जो है सर्विस पे मैट्रिक्स देख सकते हैं 7 लेवल 7 का है, आपको 44,900 पेमेंट दिया जाएगा प्लस अलाउंस भी है। ठीक है, एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 ईयर एज लिमिटेशन आपका एज स्टार्टिंग एज है। ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिटेशन भी दिया गया है और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है देख सकते हैं 3 ईयर्स OBC के लिए 3rd छूट दिया गया है और जो जनरल के लिए 30 साल ही है। ठीक है, मैक्सिमम एज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पे, और एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स दिया गया है किसके लिए, PWD के लिए, 13 ईयर्स जो है PWD OBC के लिए और 15 ईयर्स जो है ST के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। और जो एज रिलैक्सेशन जो है रिलैक्सेशन इन द एक्स सर्विसमैन विल बी द एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में देख सकते हैं आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ ड्यूटी में स्टाफ नर्स के लिए दिया गया है कि आप प्रिपरेशन इन डायग्नोस्टिक थेरापेटिक ड्यूटीज़ कैरीड आउट द कार्डियक स्ट्रेस स्टडी, एडमिनिस्टर द रेडियो फार्माकोसोटिकल फॉर डायग्नोस्टिक स्टडी, PET स्कैनर, इंट्रावेनस कैनुलेशन, मतलब पूरा आपको वर्क दिया है आपको वहाँ पर क्या क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, और आपको सलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका 3 फेज में जो है एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है DR जो स्टाफ नर्स का, यहाँ पे देख सकते हैं DR क्या था, 4। ठीक है, तो DR4 में हम लोग देख लेते हैं। तो DR4 में देख सकते हैं 3 टेस्ट होगा यहाँ पे, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि आपका देख सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस में आप 15 क्वेश्चन रहेंगे MCQ, जिसमें मैथमेटिक्स से 20 के, साइंस से 20 एंड जनरल अवेयरनेस से 10 के आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका एडवांस टेस्ट, इसमें अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यहाँ पे एडवांस टेस्ट फिर से लिया जाएगा। तो एडवांस टेस्ट में आपका देख सकते हैं टेस्ट विल बी कॉम्प्रोमाइज इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 3 नंबर जो है वो आपका करेक्ट के एक करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिलेंगे, 1 जो है माइनस मार्किंग 1 नंबर रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर कैंडिडेट स्कोरिंग 30 जो है इन जनरल कैटेगरी, लेस देन 13 जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए और रिसर्च कैटेगरी कटअप जो है नॉट फिक्स लेस देन द 20%। स्किल टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज में जो अगर पास आउट हो जाता है उसके बाद 3rd स्टेज में आएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द सेकेंड स्टेज बट विल नॉट एक्सीड द 4 to 5 टाइम। ठीक है, ये प्रोसेस है, 3 स्टेज में आपका होगा स्किल टेस्ट। इसके बाद यहाँ पे इसकी
हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कब करना है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, वहाँ भी जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही अप्लाई करना है, वरना फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे फीस भी लिखा है क्या कितना कितना है, तो देख सकते हैं हम लोग स्टाफ नर्स का ये वाला, तो 150 रुपये आपको यहाँ पे फीस लगेगा। और यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, और पूरी यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन का